गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ में 45% तक कमी आई है, लेकिन उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ महीनों से न सिर्फ घाटी सुलग रही है बल्कि आतंकी वारदातों में भी तेजी आई है। सेना पर हमले में इजाफा हुआ है और पत्थरबाज खुलकर सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि राजनाथ सिंह का कहना है कि घाटी में स्थितियां काबू में है। तो राज्यों में हुई घटनाओं में 25% की कमी आई है और हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या में भी 42% की कमी आई है और LWE कैडर के एलिमिनेशन में 65% की बढ़ोतरी और सरेंडर करने वालों में 185% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजनाथ ने आतंकी संगठन ISIS को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ISIS भारत में पैर नहीं जमा पाया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार और खुफिया एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई के चलते आतंकियों की कमर टूट रही है। उन्होंने नक्सल हमले पर भी बयान दिया। राजनाथ ने कहा कि नक्सलियों को खत्म करने के मामले में 65% इजाफा हुआ है, आत्मसमर्पण की संख्या में भी 185% की बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2016 में आर्मी के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई उसके बाद आपको जानकर यह खुशी होगी कि पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला चलता रहता है वो इन्फिल्ट्रेशन के मामलों में भी 6 महीनों में पिछले वर्ष के 6 महीनों की तुलना में 45% की कमी दर्ज की गई है कि जम्मू और कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद का जड़ से खात्मा करके वहां पर अमन अमान के हालात हम कायम करेंगे। कश्मीर समस्या पर राजनाथ ने कहा कि 1947 से यह समस्या चली आ रही है, इसे चुटकी बजाकर हल नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार कश्मीर में युवाओं के लिए काफी कुछ कर रही है और आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों की लाख कोशिशों के बाद भी घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN।